राजगढ़ महारैली को लेकर अनुसूचित जाति अधिकार समिति की संगठन इकाई ने की समीक्षा बैठक। जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस एससी सेल की मंडल इकाई के प्रभारी ओम प्रकाश ने की क्षेत्रवासियों से ज्यादा संख्या में राजगढ़ पहुंचने की अपील। गिरिपार को एसटी स्टेटस पर आपत्ति को लेकर चिलाई व संगड़ा के बाद राजगढ़ में होगी एससी समिति की तीसरी बड़ी रैली। एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा पंचायत व विधानसभा चुनाव में आरक्षण अनहरण के मुद्दे पर एसटी स्टेटस का विरोध कर रही है एससी समिति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आश्वासन के बाद जनजातीय दर्जे के मुद्दे पर गिरिपार में सवर्ण व दलितों में जमकर हो चुका है ध्रुवीकरण। दलितों के कुछ संवैधानिक अधिकार छीनने के मुद्दे पर गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा 12 सितंबर को राजगढ़ में की जाने वाली महारैली को लेकर शनिवार को संगड़ा यूनिट द्वारा समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे रामपुर भारापुर वार्ड के जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश रेड्डी, पंचायत के प्रधान हेमचंद व अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति से जुड़े राजेंद्र सोम प्रकाश व विजय आजाद आदि दलित एक्टिविस्ट अथवा नेताओं ने क्षेत्रवासियों से दो दिन बाद राजगढ़ के नेहरू मैदान में होने वाली महारैली अथवा जनसभा के लिए आरएसपी परिवार से प्रतिभागी पहुंचाए जाने की अपील की। राजगढ़ रैली को लेकर संगड़ा के सिंह गांव में हुई उक्त समीक्षा बैठक में अपने खर्चे पर जाने गाड़ियों की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने पर 150 के करीब पंचायतों वाले गिरिपार में एट्रोसिटी अथवा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम निष्क्रिय होने व पंचायतों तथा विधानसभा चुनाव में आरक्षण समाप्त होने के मुद्दे को लेकर वह जनजातीय दर्जे का विरोध कर रहे हैं और अगर सरकार उनके इन संवैधानिक हकों को लेकर अधिसूचना जारी करती है तो उन्हें इस मामले में कोई ऐतराज नहीं होगा। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के दौरान उनके द्वारा जल्द गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिए जाने का भरोसा दिए जाने के बाद से सिरमौर में जमकर सवर्ण व दलित वर्ग में पोलराइजेशन अथवा तनाव की स्थिति देखी जा रही है और अपर कास्ट के लोग जहां भाजपा की तरफ पोलराइज अथवा आकर्षित होते देखे जा रहे हैं वही दलित वर्ग बीजेपी विरोधी अथवा कांग्रेस के खेमे में जाते दिख रहे हैं। जेपी नड्डा की सिरमौर विजिट के एक दिन बाद जहां हाटी समिति द्वारा रेणुकाजी में महाकुंभ आयोजित की गई वहीं 22 अगस्त को अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा संगड़ा में महारैली की गई और 23 को क्षत्रिय संगठन अथवा जनहित पार्टी द्वारा राजगढ़ के बथाउधार में जिला स्वर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद 27 अगस्त को जहां 70 के दशक से एससी स्टेटस की मांग कर रही हाटी समिति द्वारा शिमला में सिरमौरी ट्रेडिशनल शस्त्र डांगरा के साथ पीसी की गई वहीं 28 को इसके जवाब में अनुसूचित जाति समिति द्वारा संविधान की प्रति के साथ पत्रकार वार्ता की गई। बहरहाल गिरिपार के शिलाई व सगड़ा के बाद अनुसूचित जाति समिति द्वारा 12 को राजगढ़ में तीसरा बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और उपमंडल तहसील व पंचायत स्तर पर इस बारे रिव्यू मीटिंग्स भी चल रही है। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस एससी सेल के प्रभारी ओम प्रकाश व संगड़ा जोन के अध्यक्ष ओम प्रकाश तथा पंचायत प्रधान हेमचंद व राजेंद्र आदि द्वारा शनिवार को उपमंडल संगड़ा के प्राणफुआ रेडली सिंह फलाना मशहूर आदि वार्ड तथा बूथ स्तर पर पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठकें भी ली गई। जो ये जनजातीय क्षेत्र होने जा रहा है तो इससे हमारे जो एससी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है एक तो वो खत्म हो जाएगा और एक जो पंचायत का रोस्टर है वो खत्म हो जाएगा, तो जिससे हमारे एससी कम्युनिटी के लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जनजातीय क्षेत्र होता है तो उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है, ना ही ऊपर कास्ट स्वर्ण कास्ट से कोई भेद है। हम चाहते हैं कि जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट भी सेफ रहे और जो पंचायत रोस्टर है जिससे हमारे अधिकार भी सेफ रहे वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से अपने एससी भाइयों को 12 तारीख के लिए भी एक जनसभा जो राजगढ़ में किया जा रहा है उसके लिए भी अवगत कराना चाहता हूं और सभी साथियों को उस मीटिंग के लिए भी वहां जाने के लिए बोलता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं जो हमारी अनुसूचित जाति संरक्षण समिति है उसके संदर्भ में मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी 12 तारीख की राजगढ़ में एक विशाल रैली होने जा रही है जो कि हमारे एससी के अधिकारों जो ये एसटी एरिया घोषित होने जा रहा है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें एसटी होने पर कोई आपत्ति नहीं है। बाकायदा हमारे जो अधिकार हैं एट्रोसिटी एक्ट है, जो हमारा पंचायती रोस्टर है वो बरकरार रहना चाहिए ताकि हमारी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है जो उनके द्वारा आरक्षण रखा गया वो बरकरार रह सके।